आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था जब थाना निवोरा के गांव धरियाई में घर के सामने खुले 130 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का मासूम खेलते वक्त गिर गया। पास में खेल रहे बच्चों ने मासूम के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों से सूचना मिलने पर पुलिस फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मासूम को बचाने का प्रयास जारी था, मासूम को बचा भी लिया गया। धरियाई गांव निवासी किसान छोटेलाल के घर के सामने ही खेतों की सिंचाई करते समय सबमर्सिबल पिछले दिनों खराब हो गई थी। छोटेलाल ने 2 दिन पहले इसमें से पाइप खिंचवा लिए थे। 1 फीट की परिधि में सबमर्सिबल का 130 फीट गहरा बोरवेल है। पाइप निकालने के बाद इसे खुला छोड़ दिया गया था। सोमवार सुबह 7:30 बजे बोरवेल के पास बच्चे खेल रहे थे, तभी छोटेलाल का 4 वर्षीय बेटा शिवा इसमें गिर गया। साथ में खेल रहे बच्चों ने परिजनों को बताया, इसके बाद खलबली मच गई। लल्लू मेरा इसमें गिर गया है। कैसे? मैं बोरिंग सुबह खेलते खेलते उसको पानी खिसल गया था, चला गया था। बोरिंग खुला हुआ था? हाँ खुला हुआ था, बोरिंग ढका था। उससे सुबह थकता थे, सवेरे इसको रेड रहे थे, भैया टिर रहा था, लड़के को खेलते खेलते चला जा रहा था, पानी खिसल गया उसको गिर गया। टीम है तो लगी तो सब टीम लगी है, यहाँ जनता की टीम अधिकारी है, सब अधिकार सब है ना। यहाँ गहराई कितनी होगी बोरवेल की? करीब गहराई होगी इसकी 80-90 की, करीब 7-8 गिर आया है। रेडिया है उसमें। आज ये छोटे लाल पुत्र चंदन सिंह, इन्होंने अपना छत्रपाल, इन्होंने एक अपना बोरिंग कराया था निजी, वो पुराना बोरिंग इनका फेल हो गया था। इनका परसों ही बोरिंग संपन्न हुआ है, लिहाजा इनकी एक मोटर इसमें फंसी हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उसके पुराने बोरिंग के पाइप निकाल लिए थे और इन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए कि उस पर लोहे का तसला भी रख दिया था। रात को आज सुबह करीब 7 बजे एक इनका बच्चा जो कि पतंग उड़ाते हुए और वो तसला उड़ा लिया था और वो अचानक से सूचना दे दी। सभी भी इसमें लगे हुए हैं, थाना फोर्स है और बाहर से टीमें आ रही हैं, तो इसे चलने का काम। अभी बच्चा सुरक्षित है और देखा जा रहा है, उसकी सांसें वासें चल रही हैं, जेबी पकड़ रहा है। लेकिन करीब मुझे सूचना मिली थी कि एक शिवा करके नाम लड़का है, 4 साल उम्र है, उन्हीं का घर का खेत का एक ड्राइव बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल का गहराई करीब 100 फुट के ऊपर ही है और 9 इंच का चौड़ाई है, तो लड़का उसमें गिर गया है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गए, साथ ही फायर और एम्बुलेंस सेवाएं पहुंच गई हैं। अभी 5-10 मिनट में आर्मी और NDRF का टीम्स भी पहुंच गई है। जो प्राथमिक रूप से पता चल रहा है कि लड़का जिंदा है, बहुत हेल्दी है, मूवमेंट में भी है, हाथ पैर वगैरह चला भी रहा है। जल्दी से जल्दी हम लड़का को सकुशल निकलवा के बाहर लाएंगे। लड़का को ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक से उनको बात कराएंगे, उनका परिवारजनों से, लड़के से आवाज़ सुनवाएंगे ताकि वो अलर्ट और एक्टिव रहें। मासूम शिवा को स्वस्थ बाहर निकालने के लिए जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बच्चे की प्रतिक्रिया पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। स्थानीय पुलिस को सूचना देने पर 411 पैरा रेजिमेंट के जवानों और अधिकारियों ने बच्चे को स्वस्थ बाहर निकालने का मोर्चा संभाल लिया है और बोरवेल में बच्चे को ऑक्सीजन देने की भी व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले थाना सैया के तेहरा में मासूम बच्ची साधना को जीवित बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया था। इसके अलावा शमशाबाद के लहरा कापुरा में सोनू नाम का मासूम गिर गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सोनू को बचाया ना जा सका। इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर बच्चों के अभिभावकों की, इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। सी न्यूज़ के लिए फतेहाबाद के गांव निबोरा से मनोज शर्मा और मनीष शर्मा की रिपोर्ट।